सिनेरियो ये बता रहे हैं जी, एक हफ्ते के अंदर दिल्ली में लाशें आपको सड़कों पे मिलेंगी और सड़क के ऊपर संस्कार होंगे। अब देख लेना, इनके पास कुछ भी तो नहीं है, इनके पास एम्बुलेंस नहीं है, इनके पास हर्षमैन नहीं है, इनके पास वॉलंटियर्स नहीं है, फेलियर है 100%। हम संगम बिहार से आया ही, हमारा साला मरोली में रहता है, उन्होंने फोन करा कि हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो हम उसको मदन मोहन हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने जो थोड़ी देर घंटा भर रखा है उन्होंने, तो ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने दिया, मेरी आईडी जमा करी उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि सफदरजंग ले जाओ। हम सफदरजंग गए तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन नहीं है, फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि 108 नंबर कमरा तुम्हारा जो है ना वहाँ पे बुक करवा दिया हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तुम वहाँ चले जाओ। अगर वहाँ राजीव गांधी हॉस्पिटल आए तो उन्होंने बात ही नहीं करे, कह रहे कोई बेड नहीं है। हम बोले ऐसा करो, हमारी हमें एम्बुलेंस में जो गाड़ी हम प्राइवेट करके आए हैं, इसको हमें गैस सिलेंडर दे दो, ऑक्सीजन इसका सिलेंडर ख़त्म हो गया। दो घंटे तक हम तड़पते रहे, वो सिलेंडर के लिए सिलेंडर नहीं मिला। जब डेथ हो गया उसका तो फिर वो हॉस्पिटल में तब भी एक घंटे तक जो है कोई देखने नहीं आया, ना कोई बात करने आया। फिर उसके बाद एक डेढ़ घंटे बाद में बहुत हम सब चिल्लाने लगे, रोने लगे। हम बोले कि हम झगड़ा करेंगे, तो तब जाके वो ECG मशीन लेके आए चेक करने के लिए। हाँ जी, फिर कह रहे हो ये डेथ हो गया। किस बात के वोट लेता है मोदी, किस बात के लेता है ये वोट, दुनिया को मारने के लिए वोट ले रहा है, सारे देश बर्बाद कर दिया, सबके घर में चिताएं जला दी इसने, ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्यों नहीं बेड मिल रहे, क्यों देश को बर्बाद कर रहा है ये। जवान भाई मेरा छीन लिया इसने, चुप जवान भाई था मेरा, बेड नहीं मिला उसको, पूरे दिल्ली में घूम लिए उसको ले लेके, उसको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, कौन जिम्मेवार है इसका, मोदी की दिल्ली सरकार कौन जिम्मेवार है, कौन सवाल करेगा, कौन पूछेगा इनसे, जिनके घर उजड़ गए, जिनके बीत रही है, हमें पता है हमारे पराज क्या बीत रही है, हमें पता है हमारा घर बर्बाद हो गया, बिल्कुल छोटे छोटे मेरे भतीजे हैं, कहाँ जाएंगे वो, कौन उनकी रक्षा करेगा, कौन देखेगा, 18-17 साल के मेरे पढ़ने वाले भतीजे हैं, कौन उनकी देखभाल करेगा। मोदी 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 लगा रखी है सबने, क्यों नहीं ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा, क्यों नहीं भेज रहा सिलेंडर सबको, आप रैलियों में बड़े बैठे रैलियां कर रहे, बंगाल जीतना उसने, देश मर रहा, देश को आग लगा के वो जीत हासिल करेगा क्या, किसकी चिताओं पे जीत हासिल कर रहे हैं क्या, हम सबकी चिताओं पे राजनीति कर रहे हैं क्या, हमारी चिताओं पे तमाशा देख रहा है वो। जो जोर आया है 8-10 दिन में, और पहले 10 आई, 20 आई, 30 आई करते करते बढ़ते 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 आज हम 100 को टच कर रहे हैं। यहाँ पे 94 अभी तक हो चुकी थी, 5-6 पर्चियाँ और गई हुई हैं, और अभी 40 बॉडीज आज गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में और पड़ी हैं जो आनी है, हमारे पास जगह नहीं थी, हमने मना कर दी, और कम से कम 20 बॉडीज हमने यहाँ से डाइवर्ट कर दी को गाजीपुर को कहीं पे, और 7 मुस्लिम की थी वो हमने कब्रिस्तान भेज दी। इट मीन्स यमुना पार में ही हम 200 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। कुल मिला के इस समय बड़ा भयानक समय है, क्योंकि अब लोगों के पास हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, प्लाज्मा नहीं है, जो इंजेक्शन है वो ब्लैक में बिक रहा है, जो टैबलेट्स हैं ब्लैक में बिक रही हैं, एम्बुलेंस ब्लैक में चल रही है। ये एक डेड बॉडी लेके आई है, गाड़ी आनंद विहार से चली राजीव गांधी हॉस्पिटल होके यहाँ डेड बॉडी लेके आई है, ये बहन जी बैठे हैं, कहाँ है एम्बुलेंस वाले, गई 25,000 रुपये मांगे, कितने पैसे मांगे, 25,000 रुपये एक एम्बुलेंस वाले, ये क्या हो रहा है, आपको लग रहा है कि आंकड़ों को जो है वो छुपाया जा रहा है, कम बनाया जा रहा है। उसको छुपाने का तरीका बहुत अच्छा है, उसको छुपाने का जो तरीका है वो फंडा बहुत अजीब है। ये कोविड की डेथ उसी को मानते हैं जो हॉस्पिटल से कोविड लिख के आवे, फिर पर्ची पे लिखा जाए क्रिमिशन ग्राउंड कोविड, दैट्स कॉल्ड कोविड।
अरे जो घरों में मर रहे हैं भाई, जो क्वारंटाइन है घर के अंदर, उनको क्या कोविड का नहीं मानेंगे आप? को एक्सीडेंट मानेंगे उसको आप? को सुसाइड मानेंगे आप उसको? उसको ये नहीं मानते हैं। जैसे आज 93 बॉडी अभी तक आई है, उसमें से हो सकता है कि लेटर 40 के पास ही हो कोविड का, 50 के 45 के पास हो, या हॉस्पिटल से इतनी बॉडी आई हो। लेकिन जो घरों से लाशें उठा के ला रहे हैं, उसको नहीं गिनते हैं ये। मैं समझ रहे मेरी बात को आप? तो जितना दिल्ली वाले ये देवे उससे डबल ज़्यादा समय लेना आप बस। मैं उसका एविडेंस दे सकता हूँ आपको। पूरे दिन ही रहते जी, हाँ पूरे दिन।